हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 मैथ का चैप्टर 11 में आके पहुंच चुके हैं। चैप्टर 11 में कंस्ट्रक्शन है और देखिए कंस्ट्रक्शन से एक प्रश्न हमेशा पूछता है। तो देखिए एक्सरसाइज 11.1 में 7 क्वेश्चन है और 11.2 में भी 7 क्वेश्चन है। ये 14 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखें, इसमें दो एग्जाम्पल भी है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल को ही सॉल्व करता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल है, चलिए हम प्रश्न लिख देते हैं। दिए हुए रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करें। चलिए विभाजित करना है आपको 3:2 में। तो देखिए ये चूंकि मैं इसलिए यह उदाहरण बना रहा हूँ ताकि आगे एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सबसे पहले आप एक रेखाखंड देखिए। रेखाखंड का यहाँ नाप नहीं है तो आप अनुमान से कोई एक रेखाखंड काट लीजिए। चलिए एक रेखाखंड हम यहाँ काट लेते हैं। चलिए ये रेखाखंड काट लिए, इसका नाम रख दीजिए आप ए बी, इसका नाम ए और बी रख देते हैं। अब आपको क्या करना है, 3:2 अनुपात को सबसे पहले जोड़ दीजिए। तो 3:2 कितना होता है, 5 होता है। अब एक कोण बनाइए जो न्यून कोण हो यानी 90 डिग्री से कम हो। तो एक कोण आप यहाँ बना दीजिए, आप ऊपर भी बना सकते हैं। चलिए मैं नीचे बनाता हूँ, एक कोण बना देते हैं, ये 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब ये जो रेखा नीचे काटे इसको आप 3:2 5, इसको 5 बराबर भागों में आप बांट दीजिए। तो चलिए इसको हम लोग 5 बराबर भागों में बांट देते हैं। चलिए इस तरह से बांटिएगा आप। देखिए पहला भाग हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और ये पाँचवा हो गया। 1 2 3 4 5 देखिए अंतिम स्थान पर जहाँ काटा है वहाँ से आप इसको मिला दीजिए। चलिए इसको हम मिला देते हैं। अब देखिए 3:2 में ये भी रेखा को बांटना है, तो आप ये जो नीचे में जो रेखा काटे हैं इसको आप 3:2 में आप बांट दीजिए, यानी 5 भाग में बांटिए और इसका नाम A1, A2, A3 और A4 और A5 रख देते हैं। अब आप क्या करना है, देखिए आगे से 3 भाग ले लीजिए, 1 2 3 और इधर 2 भाग बच जाएगा। यहाँ से एक रेखाखंड आप लीजिए जो A5 और B के समांतर हो, यानी यहाँ पर एक रेखा आपको लेना है। तो समांतर रेखा काटने के लिए आपको यहाँ जो कोण बनता है इस कोण के बराबर यहाँ ये कोण बनाइए। देखिए ये देखिए दोनों रेखा समांतर होगा तो ये दोनों संगत कोण होगा। संगत कोण को हम बराबर कर लेते हैं तो रेखा समांतर हो जाएगा। तो ये दोनों कोण को बराबर कैसे कीजिएगा, उसके लिए देखिए इस कोण कोई एक चाप, देखिए यहाँ पर कोई नाप नहीं, अनुमान से आप एक चाप लीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ ऐसे करके ले लिए। अब देखिए 1 2 3 ये देखिए तीसरा भाग यहाँ है ना, यहाँ आपको रेखा काटना है तो यहाँ भी एक चाप ले लीजिए आप। उसके बाद इसको आप नाप लीजिए। देखिए नापने का तरीका ये है, इस तरह से आप नाप लें। देखिए इस तरह से नाप लिए, अब इसको यहाँ से बिठा करके यहाँ काट देते हैं। चलिए इसको आप मिला देते हैं हम, इस तरह से इसको आप मिला दीजिए। देखिए दोनों रेखा समांतर आ रहा है, चलिए इसको मिला दीजिए। अब ये हो गया A3, यहाँ पर C लिख देते हैं। अब देखिए AC और CB ये 3:2 में बट गया, यहाँ पर 3 भाग है यहाँ पर 2 भाग है, तो ये रेखा 3:2 में बट गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा काम आपको क्या करना है, रचना के चरण, हालांकि परीक्षा में आपको यही भाग देखा जाएगा, ये भाग देखा नहीं जाता है लेकिन दे देना चाहिए ताकि नंबर ना कटे। रचना के चरण में कुछ कुछ बात इसमें मेन लिख दीजिए। नंबर 1, AB एक रेखा खंड खींचा। चलिए पहला हो गया, ये 2 ले लेते हैं। दूसरा नंबर में ले लीजिए क्या, ए को शीर्ष मानकर एक न्यून कोण बना दिए। अब 3 नंबर में आप क्या कीजिए, कोण बनाने वाली भुजा को 5 बराबर भागों में विभाजित किया। इसको 5 भागों में विभाजित कर दिए। A5 B के समांतर ये थ्री से
ये थ्री सी रेखा खींचा। चलिए रेखा खींच लिए। अब देखिए ए सी अनुपात सी बी बराबर हो गया 3:2। इतना लिख दीजिए आप, इससे भी आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।